हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। शाम को चाय के साथ बनाएं या कभी भी बनाएं, कभी गेस्ट आए तो बनाएं। ये ब्रेड और आलू से बनेगा। यहाँ पर उबली आलू ली हुई है, इनको छील लिया है। ब्रेड ली हुई है 3 स्लाइस, इसका ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। प्याज को बारीक चॉप कर लिया हुआ है, हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया हुआ है। ये ब्रेड स्लाइस आप बासी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ताजे का ही ब्रेड क्रम बनाया हुआ है। आलू को ग्रेट कर लिया है, प्याज चॉप कर लिया है बारीक, हरी धनिया डालेंगे इसमें और जो ब्रेड क्रम बनाया हुआ था वो डालेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, मज़ा ही आ जाता है खाने में और बहुत चटपटा बनेगा ये। बारिश के मौसम में इस तरह के स्नैक्स खाने का मन करता है तो तुरंत घर में बनाएं। यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया डाली है, गरम मसाला, नमक डाला हुआ है, चाट मसाला डाला है और लेमन जूस डाला है 1-1.5 चम्मच। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी इतनी इजी है, आप कभी भी इसको बना लें घर में, ना कोई झंझट है। ये सामान तो आपको अपने घर ही में मिल जाता है। अब यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, ये डो बन के तैयार हो गया है। अब इसको हाथ में पानी लगा के गोल गोल इसके बॉल बना लेंगे। इस तरह से देखिए सारे बॉल तैयार कर लेंगे अच्छे से हाथ में पानी लगा के। मेरे पास 2 ब्रेड स्लाइस और थे, उनका मैंने यहाँ अलग से ब्रेड क्रम बनाया हुआ है। और चूंकि हाथ से बॉल बनाए थे इसको पानी लगा के, तो ये ऊपर से थोड़ा सा गीला होता है, ऐसे ही इसको ब्रेड क्रम में लपेट लेंगे और हाथ से इसको गोल गोल दबाते हुए लड्डू की तरह ब्रेड क्रम लगा लेंगे सारे बॉल्स में। ये देखिए कितने बढ़िया बॉल तैयार हो गए हैं सारे, और ये देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है और खाने में उससे ज़्यादा भी मज़ा आ जाएगा आपको। और तेल गरम होना चाहिए, धीरे धीरे से सारे बॉल डाल देंगे, 5-5, 6-6, एक तरफ कलर आने पर इसको टर्न करेंगे। ये बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए इसमें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। इनको एक बार ज़रूर बनाएं। ये सारी सामग्री आपके घर में होती है। ये देखिए कलर आ गया, अब इसको निकाल लेंगे। शेप आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आप खाना चाहें। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको सर्व करें। मेरी ये ब्रेड और आलू की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे, इस स्नैक्स की रेसिपी, तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।